गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे भाई। आज है 26 अगस्त। 26 अगस्त से सबको पता ही है कि इंडिया में अगर दिवाली है तो वो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, या फिर जन्माष्टमी वो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और तीसरा फेस्टिवल होता है शंकर जी का, जिसमें होती है महाशिवरात्रि। ये तीन फेस्टिवल ऐसे हैं कि भाई हमारे हिंदुस्तान में इतने अच्छे से मनाए जाते हैं, जो समझ लो तीनों ही दिवाली के समान हैं। इनसे बड़ा त्यौहार कोई इसके बाद है भी नहीं, ना हो शायद। तो भाई जैसे कि आप लोग मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे होंगे, कलर चेंज हो चुका ऑलरेडी। बहुत कमेंट्स है 2-2.5 साल से कि पेंट बदलो, पेंट बदलो, पेंट बदलो, पेंट का कलर बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ भाई, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन एकदम से कोई भी चीज़ नहीं बदली जाती, ना इंसान ना चीज़ें। तो भाई कल आपको दुपट्टा बांध के सोने की वजह से ना बिल्कुल निशान हो गया इस पर, पर कोई बात नहीं भाई। तो कलर तो ऑलरेडी चेंज आप लोग देख ही रहे होंगे, एंड कलर पूरे घर में हो चुका है। तो भाई आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज मेरे लड्डू जी का बर्थडे है, और साथ साथ मतलब जहाँ लड्डू जी वहाँ राधा जी। तो भाई पेंट ऑलरेडी फिनिश हो चुका है अंदर का, बट अभी साफ सफाई चल रही है मेरी, तो अभी आपको फैला रहा ऐसे ही दिखेगा। आप इसको मत कहना धीरे धीरे समेटा नहीं। हाँ, मैंने कुछ चीज़ें समेट ली है, मंदिर समेट लिया है, रूम समेट लिया है, किचन मेरी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। बस बाहर का इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि अभी विंडोज़ पे पेंट होना बाकी है, फिर गंदा हो जाएगा। तो भाई बहुत दिनों से मैं आप लोगों को मिल नहीं पा रही हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रही हूँ। बहुत कमेंट भी होंगे दीदी कहाँ चली गई। तो भाई जब आपका घर का कुछ काम चलता है तो आप दूसरा कोई काम नहीं कर पाते हो, ये फैक्ट है। जिसका काम चलता है वही जानता है ये चीज़ें। भाई नींद भी थोड़ी सी पूरी नहीं हुई है, बट फिर भी उठना पड़ गया सुबह, या जन्माष्टमी में तैयारी भी करनी और थोड़ी सफाई एक्स्ट्रा और भी करवानी है, जैसे कि पर्दे वर्दे हुए, सब चीज़ों में। एक बार ये कपड़े आप लोगों को धुले हुए दिख रहे हैं, एक बार मैं धो के सुखाने वाली, एक बार के धुले हुए रखे हैं और एक बार के धुने बाकी हैं, उसके बाद पर्दों का नंबर आएगा। तो भाई काम बहुत सारा है और आप लोगों को अब डेली बॉक्स देखने को डेली मिलेंगे। तो भाई चलो चलते पहले किचन में। मैंने थोड़ा अपना रूटीन भी भाई इन दिनों में बदल लिया है, जिसमें से पहला रूटीन मेरा ऐसा है कि सुबह उठ के मैं नींबू पानी लेती हूँ। कुछ चीज़ें आप लोगों की बदलाव होती है जब आप दूसरों से जुड़ते नहीं हो, आप जब कुछ चीज़ें अपनी अपने हिसाब से करते हो चीज़ें बदल भी जाती हैं। तो ये मेरा नींबू पानी जो कि बन चुका है ऑलरेडी, सबसे पहले नींबू पानी पियेंगे, इसके बाद दिन की शुरुआत करेंगे। और बाहर का भी पूरा चेंज हो चुका है बैकग्राउंड, तो आप लोगों को बाहर की सैर भी करवाऊंगी, पर पहले थोड़े से कपड़े सुखा लेती हूँ, वरना ये कपड़े जो रखे हैं ना ये ऐसे कैसे स्मेल करेंगी। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई नहा धो के रेडी, आज मैंने ग्रीन पहना, उस दिन में ग्रीन था, ये अलग वाला ग्रीन है। तो आप रेडी हो मेरे के लिए? तो भैया फटाफट से पूजा की तैयारी करते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। लेट करना से अभी 12 तो नहीं बजे, पर थोड़ा लेट तो हो ही है। तो पूजा की पहले तैयारी करते हैं फिर पूजा करते हैं। चलो अब भाई थोड़ी ही सफाई, जैसे सुबह दिखाई थी गंदगी मच रही थी, तो मैंने क्या कर दी, तो थोड़ी ही सफाई मैंने करी है अभी। तो मैं खाली पहले मैंने क्लीनिंग करी, उसके बाद मैंने साफ काम करने का शुरुआत करी, किचन मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया। अब करते हैं पूजा की तैयारी। मेरे पीछे पीछे मत घूमो प्लीज, एलर्जी है। मैडम जी जल्दी जल्दी कर लो, लेट हो गया। पिंपल देख रही तो अपना। मैडम आपके सजावट थे एक नंबर की यार। ये बात है, गणपति बाबा ने बिठा दिए है जो कि मुझे गिफ्ट में मिले थे ना। हाँ तो थे नहीं गए हमारे घर में, गाड़ी में तो थे। मैं काम करती हूँ अच्छा, राधे कृष्ण और राधे आए नहीं है अभी, लाइन है ना। चले जी लेने, बस थोड़ी थोड़ी सजावट
चलो जी भाई, पूजा करने का टाइम हो गया है, पूजा कर लेते हैं। मैडम बुक का है खाऊंगी और पूजा इज डन।
कुछ बोलूँ इससे पहले आप समझ जाओ पूजा हो चुकी है। तो भाई इस बार थोड़ा सा स्पेशल इसलिए हुई कि हमने इनको एक तरीके से इनके घर में ही दोबारा बुलाया है, दोबारा घर बना के दोबारा उस घर में भगवान को स्थापित करना, उनको बिठाना एक तरीके से उनके लिए उनका न्यू घर ही होता है। और ये इनका ही घर है, हम तो इनके ही घर में रह रहे हैं भाई, हमारा कोई घर नहीं है। तो अभी कपड़े बाहर सुखाती हूँ, थोड़ा कुछ खाती हूँ। और कपड़े यार बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं। ये सूखे पड़े हैं, वे सुखाने हैं, वे पीछे सुखाने हैं, एक बार के मशीन में पड़े भी हुए हैं। अब समझे कपड़े सुखाऊं कि उतारूं, कपड़े इतने सारे हो रहे हैं। हेलो आप प्यास पूछ होगी पूरी पी है पानी, उस वजह से पानी 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 कर रहे थे, पानी हम जब पिया तो दो बार तो कर चुके हो आप, ऐसे में दो आज के दिन झूठ नहीं बोलोगे आप। तो भाई किस किस ने फास्ट रखा है, किस किस के हस्बैंड ने फास्ट रखा है, किस किस की वाइफ ने फास्ट रखा है, कमेंट करके बताना। और किस किस ने मतलब एक्साइटमेंट में कुछ खाया नहीं अभी तक, कितने बज रहे हैं? मैंने तो दो बंदों को फास्ट भी रखवा दिया अपने साथ। एक बज रहा है, सवा एक होने वाला है। तो भाई उनका पहला जन्माष्टमी का फास्ट है, आई होप कि कंटिन्यू कर पाए जीवन भर। तो ये कहते हैं कि जो फास्ट आप या जो व्रत आप करते हो उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, उसको कंटिन्यू कर लें। पहले शिवरात्रि के दिन लास्ट शिवरात्रि को, उसके बाद ये इनका सेकंड फास्ट है। इसके बाद नवरात्रि भी रखवाऊंगी, करवा चौथ भी रखवाऊंगी। करवा चौथ में क्या होगा आपका? करवा चौथ में सारा है भाई, क्या आ रहा है, खा लो फिर एक बार। चलते हैं थोड़ी शॉपिंग करनी भाई, जाना है थोड़े पंखे पंखे लेने के लिए, वरना तो आधा काम बिजी वर्क करके जाएगा आधा छोड़ देगा, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फटाफट से खाना खाते फिर निकलते हैं, जैसे थे वैसे वापस। भाई बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं, अभी भी सारा काम कंप्लीट होने के बाद भी देख लो यहाँ पे सामान रखा जा रहा है। अभी बाहर ऊपर हम वो सुखा गए हैं पर्दे, आधे 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 करके काम करना पड़ रहा है। मशीन कितनी भर गई थी बेटा? 3 लाख बन रखा था ऊपर तक, है ना? हाँ, और बर्तन देख लो भाई, बर्तन जितने धो लो उतने कम है। आज तुझे शांति मिलेगी वैसे, फिर मेरा फास्ट है। चलो भाई आप रेस्ट करेंगे, चलो आ जाओ। गेट तो भिजवा ही रहा है वो, ये तो है हमारा काम उसके हिसाब से होगा, वो छुट्टी करेगा उसके पास खाली टाइम हो तो करेगा, ऐसे वो काम ही नहीं देना चाहिए। तो भाई आज इतने लत्ते धो दिए देखना, ढेर लग रहे हैं, परेशान हो गया मैं बीबी है, बीबी परेशान हो गया। तो एक बार के कपड़े मशीन में लगे हुए हैं, हाँ, उसके बाद एक बार के और है, वो रह गए क्या? फिर दो बार के वो रह गए, कहते हैं पड़ गए यार, ये क्या सिस्टम है? मशीन को पूछो कब से भरी हुई है। भाई भाई कुछ भी करती रहती है, ये देखना भाई ढेर लग रखा है पूरे लत्ता का। और ये अभी ये वाले लत्ते हो रहे हैं, और अभी उसमें दिखा दिए जाए तो उसमें और लत्ते हैं मशीन में, मशीन में वो सूखे नहीं है। कीर्ति तेरी तो भी लेटी मिलती है। चद्दर यार वो कितने गई थी यार, हर बार चेंज करी है हमने, ये बात है। तो हाँ जी मैडम, आज कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया मेरी बेटी ने। कितना सारा काम क्यों कर लिया? खाना भी खा लिया। खाना भी खा लिया।
अब तू सो जा, सो जा अब तू। हाँ कैसा लगा? ठीक है मैडम, ओके ठीक है। कुकर में ना बने थे पर नहीं, वो ना सीटी लग गई, इतने में कपड़े बदल दिए, आने लगा था फिर वो इस चक्कर में आप दोनों के लिए ना करिए। ओके मैडम। चलो आपको वेट करना है, ठंडी में जाने जाने को दीजिए। चलो क्या ठंडी में? नहीं नहीं करेगी, बारिश अभी ठंडी हो गई। अरे आए ऐसे में थे, इतनी तेज बारिश है ऐसा ही लग रहा है ना, बड़े कसम से हालत ऐसे हो रखी बाहर की, बहुत ज़्यादा तेज बारिश आ रही है। दिखाता हूँ आपको, जब तक ये कपड़े वपड़े पहनाती है। अब देख रहे भाई बाहर बारिश बहुत जोर की बारिश है यार, बहुत ही ज़्यादा जोर की, देख लो। चलो जी अब भगवान को बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए जाएंगे। जो है लबेलो मदनेलो वाला शैतान गायब कर दीजिए। जय श्री राधे 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 कृष्ण। आपके इतने भारी लिया आराम से? आराम से जिला रहा हूँ यार, तू जिला दे खाना जिला। आप तो अपने वाला काम कर रहे हो, सही आ रहा है। पंजी जी पहले खिलाए, पहले जीत खिलाओ ना इनकी प्रिय। तो वही है भाई, मुझे तो इतना पता नहीं, मैडम को ज़्यादा पता है क्या चीज़ें बनती है क्या नहीं। पहले खा चुके मेरे साथ, खा चुके तो भूख लगी होगी रात होगी। अरे आज ना भगवान के साथ चीटिंग भी कहते हैं, फ्रूट्स के होकर वो भी निकाल दिए सारे। क्या निकाल दिए? तो फ्रूट्स 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 खा लिए थे, वो भी सारे निकाल दिए, फ्रूट्स निकलवा दिए, फ्रूट्स निकलवा दिए आज के। चलो जी अभी से तो आपके बारे आ जाओ, सहारा लेके इतना पड़ रहा अभी से इसके साथ ले लिए उसको ना। आओ ये अभी से भाई बाबू का कैमरा चला रहा हूं गीले। वही इसको ही कहते हैं भक्ति। बारिश में है पर आए हैं, मैं कह सकते थे वापस जा रहा हूँ मैं। कैसे ना बैठे थे ना मैं कैसे होगा जिनावर बाप। आराम आराम से, बॉडी बिल्डर ऐसे बिल्कुल आराम से, दिया गिर जाएगा जिना तो सही पीछे से भेज दिए उनको भाई जिना। चलो ये आपके आपने हमें दिया भाई, ये आज से परमानेंट हो गए मंदिर में, ये आज से परमानेंट हो गए, नया हो गया ना। चलो तो भाई इसी के साथ जन्माष्टमी का महोत्सव होता है समाप्त। ये रहे मेरे पति देव, भाई बज रहे एक, मेरे बच्चे भी सो चुके हैं, मेरे भी सोने का टाइम हो गया। मैंने ज़्यादा देर लेटी मतलब जगी रही ना तो मैं और ज़्यादा सुबह लेट उठूंगी और दिक्कत फिर मेरे को ही होगी, क्योंकि सुबह फिर पेंटर आएंगे, फिर बोलेंगे कहाँ मिट्टी बना के आए हो, और बारिश इतनी तेज, अभिषेक भैया भीग के आए पर फिर भी वो आए हैं, इसे ही कहते हैं प्रेम। इन दोनों का करवा चौथ था आज, एक दूसरे का फास्ट खुलवाया, बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
नींद नहीं आ रही, बाल कैसे करोगे झाड़ू जैसे? तो भाई इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं और बोलो सारे राधे 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 राधे।